तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल की एक ट्रिक बताने वाला हूँ, या बोल सकते हैं कमाल का एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ। अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं दोस्तों, हर किसी को रहता है जैसे कि ऐप लॉक करने का। एंड्रॉइड में तो बहुत सारी ऐप्स मिल जाती हैं और बहुत सारे तरीके से कुछ कुछ एंड्रॉइड मोबाइल में तो प्री इंस्टॉल मिलता है ऐप लॉक करने का ऑप्शन। तो आपको आईफोन के अंदर कैसे अपनी ऐप्स को लॉक कर सकते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ, विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करें, या फिर बोल सकते हैं विदाउट कोई सी भी डाउनलोड ऐप करें। तो सिंपल तरीके से आप इसको कोई सी भी ऐप को आप कर सकते हैं ऐप लॉक की तरह, ताकि आपका डेटा पूरी तरह से प्राइवेसी रहे। नहीं तो होता क्या है, कोई भी मोबाइल मांगता है और आपका किसी कोई कॉल करने के लिए मोबाइल मांगेगा और आपके सारे फोटोज एक्सेस कर लेगा। तो ऐसे आप सारी ऐप्स को लॉक, क्या बोल सकते हैं, ऐप लॉक कर सकते हैं। आपको सिंपल एक बार उस मेथड को करना है और परमानेंट वो मेथड आपका हर बार काम करेगा। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपने आईफोन के अंदर या बोल सकते हैं iOS में ऐप को लॉक कर पाएंगे, वो भी विदाउट एनी कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करें। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की बिल्ड इन या बोल सकते हैं प्री इंस्टॉल ऐप के अंदर, जो कि है शॉर्टकट, आपको मिल जाएगी। आपको शॉर्टकट वाली ऐप में जाना है। शॉर्टकट वाली ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप इसमें खुलेंगे, आपको इसमें नहीं जाना है। आपको जाना है ऑटोमेशन वाले ऑप्शन पे। ऑटोमेशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको ऊपर मिलेगा प्लस का ऑप्शन, उस पे जाना है। उस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, आपको किस चीज़ के लिए ऑटोमेशन क्लिक करना है, ऐप्स के लिए, तो हमें यहाँ ऐप वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पर इज ओपन पे टिक कर लेना है और यहाँ पर चूज़ ऐप पे क्लिक कर लेना है। चूज़ ऐप पे जाने के बाद जिस ऐप को आपको लॉक करना है वो यहाँ पर आप चाहें तो सर्च कर लें, चाहे आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके भी दे सकते हैं। लाइक हमें अपनी फ़ोटोज़ को करना है तो हमें यहाँ पर फोटोज़ को देख लेना है। फोटोज़ ऐप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ फोटोज़ ऐप को सेलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अब ऐड एक्शन पे क्लिक करना है। ऐड एक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है लॉक, आपको यहाँ पर लॉक लिख लेना है। जैसे ही आप लॉक लिखेंगे तो लॉक स्क्रीन आ जाएगा, आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है। लॉक स्क्रीन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है आस्क बिफोर रनिंग, तो आपको इसको ऑफ कर देना है। यहाँ से इसको ऑफ करेंगे, यहाँ डोंट आस्क पर क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन को भी यहाँ पर ऑफ कर देना है। सिंपली इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। अब डन करने के बाद ये हो चुकी है लॉक ऐप आपके, आप बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फोटोज़ को ओपन करना है। जैसे ही मैं फोटोज़ ऐप को खोलूँगा मोबाइल ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, आप देख सकते हैं, और अनलॉक करूँगा तब जाके वो फ़ोटो ऐप यहाँ पर खुलेगा। जितनी बार मैं ये करूँगा उतनी बार फ़ोटो अपने आप मोबाइल लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में कोई सी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं, ताकि कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके। तो यही मेथड था आईफोन के अंदर। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आप लगता कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूलें। तो थैंक यू।